हाँ जी, तो ये मैंने आप यहाँ पर लिख दिए हैं कॉन्ट्रावेंसेज या फिर अडप्टेशन फॉर क्रॉस पॉलिनेशन, यानी वो साजिशें जो क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगी, और इन्हीं को आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं। ब्रो क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं। ओके, सो ये क्या है? सबसे पहली अडप्टेशन है डाइक्लिनी, डाइक्लिनी या फिर जिसको लोग यूनिसेक्सुअलिटी बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? डाइक्लिनी या फिर यूनिसेक्सुअलिटी, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। देखो मैं समझाता हूँ, डाइक्लिनी या यूनिसेक्सुअलिटी, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब कि मैं एक फूल हूँ, या फिर तो मैं आदमी हूँ या फिर मैं औरत हूँ, तो आई एम यूनिसेक्सुअल, या फिर तो मैं आदमी हूँ या फिर मैं औरत हूँ, मैं फूल हूँ, या फिर तो मेरे अंदर स्टेमन प्रेजेंट है या मेरे अंदर कार्पल प्रेजेंट है। ये चीज़ आप समझिए। तो यूनिसेक्सुअलिटी की कंडीशन में क्या होगा? सेल्फ पोलिनेशन तो हो नहीं सकता। सेल्फ पोलिनेशन तो तब हो जब एक ही जगह मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हो, लेकिन अकेला प्रेजेंट है या फिर मेल है या फीमेल है, तो उस केस में सेल्फ पोलिनेशन तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। तो इट इज़ अ अडप्टेशन ऑफ क्रॉस पोलिनेशन व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड यूनिसेक्सुअलिटी और डाइक्लिनी। सेल्फ पोलिनेशन कैन नेवर अकर हेयर। ओके, ऐसा किस में होता है? ऐसा डायोशियस प्लांट्स के अंदर होता है, जो मैंने अभी अभी बताए थे डायोशियस प्लांट, एग्जाम्पल पपाया, डेट पाल। ओके, उसके बाद में दूसरी कंडीशन है डाइकोगैमी। डाइकोगेमी जो है, इसके अंदर क्या होता है? डाइकोगेमी के अंदर क्या होता है, जैसे वहाँ हमने पढ़ा था कि वहाँ पर देयर इज सिंक्रोनी बिटवीन द मैचुरेशन ऑफ बोथ द सेक्सेस, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर मान लो ऐसे हो कि ऐसे हो, अगर मान लो ऐसे हो जाए कि दोनों दोनों में से कोई एक पहले, दोनों में से कोई एक पहले मैच्योर हो जाए, जैसे इन मैनी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स ऑफ प्लांट्स स्टेमन्स एंड कार्पल्स डू नॉट मेच्योर एट द सेम टाइम, यानी स्टेमन और कार्पल सेम टाइम पर मेच्योर नहीं हो रहे हैं, डू नॉट मेच्योर एट द सेम टाइम। इन दीज प्लांट्स पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। यहाँ पर पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी ये सिंक्रोनाइज नहीं है, समझ रहे हो? तो ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पर क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। अगर डाइकोगैमी है मतलब, या फिर तो पहले मेल मैच्योर हो रहा है यानी एंथर मैच्योर हो रहा है, या फिर क्या मैच्योर हो रहा है, पहले स्कार्पल मैच्योर हो रहा है, तो इन दोनों में से अगर ये आगे पीछे मैच्योरेशन होंगे, मैच्योर होंगे, तो वहां पर क्या होगा? क्रॉस पोलिनेशन होगा। लेकिन अगर मान लो कि दोनों साथ में मैच्योर हो गए, तो क्या कर सकेंगे? ये सेल्फ पोलिनेशन ही कर लेंगे। किस में होता है ये कंडीशन? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स की बात कर रहा हूँ मैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में स्टेमन एंड कार्पल डू नॉट मैच्योर एट द सेम टाइम, दिस इज नोन एज डाइकोगैमी। इज इट क्लियर? ओके, अब जैसा कि मैंने बोला, या फिर तो पहले मेल रिलीज मेल मैच्योर होगा यानी स्टेमन मैच्योर होगा, या फिर पहले फीमेल मैच्योर होगी यानी कार्पल मैच्योर होगी। सो दिस कंडीशन इज नोन एज प्रोटो एंड्री, वेयर एंथर मेच्योर अर्लियर देन कार्पल, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटोगाइनी, वेयर कार्पल मेच्योर अर्लियर, वेयर कार्पल मेच्योर अर्लियर। ओके, नाउ ऐसा ये प्रोटो एंड्री अगर किस में होती है, आप ये याद करना चाहो तो आप याद कर सकते हो। किस में है ये? सनफ्लावर एंड सेल्विया के अंदर, साल्विया और सनफ्लावर के अंदर प्रोटो एंड्री प्रेजेंट, एंड प्रोटोगाइनी इज प्रेजेंट इन फाइकस स्पीशीज। फाइकस की जो स्पीशीज होती हैं, जैसे बैनियन, पीपल, फिग। प्रोटो एंड्री, प्रोटोगाइनी, प्रोटो एंड्री क्या, किस में हो रही है प्रोटो एंड्री? सनफ्लावर में, साल्विया में, और ये किस में हो रही है? फाइकस स्पीशीज में, जैसे पीपल, सॉरी बैनियन, फिग, इनके अंदर हो रही है, पीपल, बैनियन, फिग। ओके, नाउ द नेक्स्ट अडेप्टेशन इज कैज्मोगेमी या फिर एंथेसिस। कैज्मोगेमी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कैज्मोगेमस फ्लावर्स कौन से होते हैं? जो ओपन हो जाते हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्लोज होते हैं और वो सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं, लेकिन कैज्मोगेमस फ्लावर्स ओपन हो जाते हैं तो वो किसको प्रमोट करते हैं? वो बाइसेक्सुअलिटी को प्रमोट करते हैं, और मतलब वो क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करते हैं सिंपली। सो कैज्मोगेमी या फिर इसी को पता है एंथेसिस भी बोलते हैं, याद रखना, कैज्मोगेमी या फिर एंथेसिस।
देन अनदर एडेप्टेशन इज हर्कोगेमी. व्हाट इज हर्कोगेमी? क्या होता है हर्कोगेमी? काजल मैं तेरी शादी हर किसी लड़के से नहीं कराऊंगा, हमें बराबर का लड़का चाहिए, बराबर का लड़का चाहिए. काजल इतनी है, लड़का भी हमें इतना ही चाहिए. काजल इतनी है, लड़का भी हमें इतना ही चाहिए. हर किसी लड़के से शादी नहीं होगी. क्या बकवास कर रहा है यार, सीधी सीधी बात बता ना. बताता हूँ सर. हर्कोगेमी का मतलब होता है, यहाँ पर बीच में मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स आ जाते हैं. जैसे काजल के पापा, काजल तेरी हर किसी लड़के से शादी नहीं कराएंगे, तो हर किसी लड़के से शादी नहीं करा रहे. क्यों? वो मॉर्फोलॉजिकल बैरियर बनकर के बीच में खड़े हैं, दो प्रेमियों के बीच में दीवार बनकर खड़े हैं. हर्कोगेमी, दिस इज नोन एज हर्कोगेमी. दिस इज द अडेप्टेशन वेयर मॉर्फोलॉजिकल बैरियर्स आर क्रिएटेड बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. सेम फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा के बीच में अगर कोई मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आ जाएगा तो क्या होगा? वो सेल्फ पोलिनेशन कर ही नहीं सकेंगे, सो ऑब्वियसली क्रॉस पोलिनेशन होगा. एग्जाम्पल ऐसा किस में होता है? कैलोट्रॉपीज आंकड़े में, और ग्लोरियोसा में. किस में होता है? ग्लोरियोसा बड़ी अमीर है, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट होता है इसमें. इसकी शादी गरीब लड़के से नहीं होने देते. ग्लोरियोसा, कैलोट्रॉपीज. Then again, the next adaptation is heterostyly. What do you mean by heterostyly? Hetero matlab different, and style means length. And there is difference in between the length of the filament of stamens and length of the style in flower of some plant. Kaiyon mein kya hota hai ki स्टेमन और जो स्टाइल होती है ना, उनकी जो लेंथ होती है ना, हाइट होती है, उसमें वेरिएशन आ जाता है. ये स्टेमन तो इतना बड़ा, ये कॉर्पल इतनी छोटी. कॉर्पल की लेंथ ज़्यादा हो गई, कॉर्पल की हाइट ज़्यादा हो गई, स्टेमन बड़ा, तो बड़ा इनकम्पेटिबल मैच हो जाता है. तो इस केस में क्रॉस पोलिनेशन होता है. फिर हेटरोस्टाइल मीन्स देर इज डिफरेंस इन बिटवीन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ स्टेमन एंड लेंथ ऑफ द स्टाइल इन फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. एग्जाम्पल किस में होता है? गुलाब रोज, एंड दिस इज प्रिम रोज. हेटरोस्टाइल किस में होती है? प्रिम रोज में होती है. हर्कोगेमी किस में होती है? ग्लोरियोसा कैलोट्रॉपिस, सेल्विया, सनफ्लावर, फाइकस, बेनियन, पीपल, फिग, प्रोटोएंड्री, प्रोटोगाइनी, डाइकोगेमी, डाइक्लिनी, यूनिसेक्सुअलिटी. देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ स्टर्लिटी और सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी और इंट्रा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी. मेरी गल सुन तू. सेल्फ स्टर्लिटी मतलब खुद के लिए स्टराइल होना, खुद के लिए स्टेरिलिटी, सेल्फ स्टर्लिटी. सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी यानी खुद के लिए ही इनकॉम्पिटिबिलिटी होना. इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पिटिबिलिटी यानी एक ही स्पीसीज में मतलब इनकॉम्पिटिबिलिटी होना. ये बात आपको थोड़ा सा डाइजेस्ट, ये बड़ी 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 अच्छी बात है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ स्टर्लिटी, सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी या इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पिटिबिलिटी. ये देखो ज़रा, मैंने इसके बारे में कुछ लिख रखा, आपको यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. Pollen grains of the flowers cannot germinate on the stigma of the same flower. This condition is called self-sterility. मेरी बात सुन, क्या बोल रहा हूँ मैं कि pollen grain of the same flower, anther, stigma, ठीक है, एक ही flower है ये. Pollen grain of the same flower, ये यहाँ आया, इसने पोलन ट्यूब बनाने की सोची. ये एक दूसरे किसी फ्लावर का एंथर है, वहां से पोलन ग्रेन निकला, ये यहाँ आया. दोनों ने पोलन ट्यूब बनाने की सोची, ठीक है, दोनों बना रहे हैं, स्टार्ट कर दी दोनों में. अब सुनना क्या होगा. पोलन ग्रेन ऑफ द फ्लावर कैन नॉट जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर. ये बड़ी काम की बात है. ये क्या है कि इसी फ्लावर का ये पोलन ग्रेन
जब पोलन ट्यूब बनाने की कोशिश करेगा तो आगे डेवलपमेंट नहीं होगा, पोलन ट्यूब नहीं बना पाएगा। दिस इज नोन एज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ स्टेरिलिटी, इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी। दिस इज नोन एज, दिस कंडीशन इज नोन एज सेल्फ स्टेरिलिटी। ओके, और ये जो बाहर से आया है ना, ये दो दिन का मेहमान, ये जो बाहर से आया, कल का लड़का है ये, इसने पोलन ट्यूब बना ली। फिर ये पोलन ग्रेन पूछता है कि स्टिग्मा, ये पूछता है कि मेरे में क्या कमी रह गई थी, ऐसा मैंने क्या कमी छोड़ दी थी कि जो तूने मुझे पोलन ग्रेन नहीं बना, पोलन ट्यूब नहीं बना दी, इसको बना दी, ये कल का लड़का है इसको तूने बना दी, मुझे नहीं बना दी, मैं तो तेरे पड़ोस में रहता हूं। पता है इसने क्या बोला, पता है इस कार्पल ने क्या बोला, मुझे क्रॉस पॉलिनेशन करना है, मुझे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करना, मुझे इस मोहल्ले में शादी नहीं करनी, मुझे एनआरआई लौंडा चाहिए, मुझे एनआरआई लौंडा चाहिए, मुझे इस मोहल्ले में शादी नहीं करनी, घुट घुट के नहीं मरना है, यही मुझे बाहर घूमना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है। ऐसा किसमें होता है पता है क्या, पिट्यूनिया, ये बड़ी शौकीन है बाहर घूमने की, पिट्यूनिया तब्बैको सेहत के लिए हानिकारक है, तब्बैको सेहत के लिए हानिकारक है। तब्बैको एंड पिट्यूनिया के अंदर क्या होता है, देयर इज सेल्फ स्टेरिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, इंट्रा स्पेसिफिक इनकॉम्पेटिबिलिटी, सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स, ये पढ़ेंगे ना, टाइप ऑफ पॉलिनेटर्स, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, यानी जो लोग पॉलिनेशन करवाते हैं, कौन होते हैं जो, कौन होते हैं जो दुल्हे को दुल्हन के घर बारात में गाड़ी में घोड़े पे बिठा के लेके जाते हैं, वो कौन होते हैं, वो कौन हैं जिनके पीछे हाथ है, जिनका हाथ है इन दोनों को मिलाने का। पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।